नमस्कार दोस्तों, एम्स नई दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट और कंसल्टेंट फिजिशियन, इसके साथ साथ डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर केपी चंद्रा की सेवाएं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में उपलब्ध हो रही हैं। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर प्रेस वार्ता करते हुए डॉक्टर चंद्रा ने कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। पहली तो ये कि डायबिटीज और हृदय रोगों में आपस में क्या संबंध होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इन दोनों रोगों से बचने के लिए जीवन शैली में हमें क्या परिवर्तन करने चाहिए, उसको लेके तीन महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। और तीसरी सबसे जरूरी बात, आजकल नौजवानों की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, जिम में एक्सरसाइज करते समय मौतें हो रही हैं, इनके पीछे क्या वजह है, और एक्सरसाइज अगर आप करने जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। दोस्तों, आज के दौर में डायबिटीज और हार्ट यानी हृदय रोग बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण बीमारियां बनकर के उभरे हैं। बहुत बड़ी संख्या है जो इनसे पीड़ित है। ऐसे में आज की ये खबर आपके लिए भविष्य की एक शिक्षा साबित हो सकती है। तो डॉक्टर चंद्रा, डायबिटीज एंड हार्ट क्लिनिक में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? डॉक्टर चंद्रा डायबिटीज एंड हार्ट क्लिनिक विजयंत खंड गोमती नगर में चिन्हट के पास स्थित है। यहाँ पर बेसिकली डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स का स्पेशल केयर किया जाता है। हम लोग की कोशिश यह होती है कि जो मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की बीमारियाँ, इससे बहुतायत लोगों को दिक्कतें होती हैं। अब इन बीमारियों में जीवन शैली का बहुत ही महत्वपूर्ण है स्थान है, और इन बीमारियों के लिए हम अगर अच्छे से कंट्रोल रखते हैं तो एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ रहता है। बेसिकली डायबिटीज या हार्ट की बीमारी के लिए एक कॉमन सॉयल हाइपोथेसिस होता है, जहाँ जो बताता है कि डायबिटीज और हार्ट की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ के कारण शुरू होता है, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी में डायबिटीज़ पहले होता है, किसी में ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले होती है, किसी में हार्ट की बीमारी होती है। अंततोगत्वा ये बीमारियाँ आपस में सभी को साथ में होती हैं। ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हार्ट फेल्योर की संभावना 50% से ज़्यादा है, इसी तरह ब्लड प्रेशर के पेशेंट में डायबिटीज़ की संभावना 50% से ज़्यादा है। हमारा क्या उद्देश्य होता है कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जो साइलेंट किलर है, वो आपके अंगों को, एंड ऑर्गन्स को, जैसे है हार्ट, किडनी, ब्रेन, आँखें, उसको डैमेज करता है, जिसके लिए तीन महत्वपूर्ण पैरामीटर होते हैं जिसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट या इलाज होता है। एक है ब्लड प्रेशर, दूसरा है ब्लड शुगर, और तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। तो जो गाइडलाइंस हैं वह बताते हैं कि एडिक्वेट ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का अगर ट्रीटमेंट करें तो कंट्रोल अच्छा होगा। मैं यहाँ पे एक बहुत ही सेंसेशनल समाचार बताना चाहता हूँ कि आज भारतवर्ष में अगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को देखा जाए तो सिर्फ 3% पॉपुलेशन है जिसमें कि ये तीनों पैरामीटर्स एडिक्वेट कंट्रोल हैं गाइडलाइन के हिसाब से। गाइडलाइन कहता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर 80 से 120 के बीच में हो, HbA1c 7% के नीचे हो, ब्लड प्रेशर 130/90 के नीचे हो, और LDL कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे हो। और सच्चाई यह है कि यह तीनों पैरामीटर का कंट्रोल सिर्फ 3-5% पेशेंट में होता है। 90-95% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई पैरामीटर गड़बड़ है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत खतरनाक बात है, आंकड़े भी बिल्कुल डरा देने वाले हैं, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लगभग परवाह नहीं करते और लापरवाही से रहते, तो डायबिटीज़ और हार्ट की इन बीमारियों से बचने के लिए जीवन शैली में क्या हमें परिवर्तन करना है? देखिए, जीवन शैली की बात अगर हम करते हैं तो इसमें तीन महत्वपूर्ण चीज़ होता है। एक होता है एक्सरसाइज, मतलब कि आप शारीरिक श्रम क्या करते हैं, दूसरा है डाइट, और तीसरा है स्ट्रेस। अब डाइट के बारे में सबसे पहले बात करें तो हमें स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट लेने चाहिए। डाइट में यूजुअली हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, और जितनी भूख होती है उससे एक रोटी ज़्यादा खाते हैं। आप अगर स्मॉल अमाउंट में मील लें, फ्रीक्वेंट मील लें, और खाने का जो प्लेट हो उसमें 50% आपका सलाद हो या सब्जी हो, 25% आपका मेन मील मतलब रोटी या चावल हो, और 25% दाल हो, अगर इस हिसाब से हम अपना प्लेट बनाते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी होता है। फिर स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील लें,
डाइट में तीसरा बात, तीसरी बात है कि अर्ली डिनर होना चाहिए। जब आप लेट डिनर करके सो जाते हैं तो जब भी जो भी खाते हैं वो आपके बॉडी में जमा होता रहता है। ये हो गया डाइट। अब आए एक्सरसाइज के लिए, तो एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट हफ्ते में 5 से 7 दिन होना चाहिए। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, मसल्स में ब्लड सप्लाई अच्छा होता है और ग्लूकोज अपटेक होता है, तो ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेंटेन करके रखता है। तीसरा है स्ट्रेस। आज के ज़माने में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो कैरियर का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे पैसे का हो। इसके चक्कर में क्या होता है कि हम एडिक्वेट रेस्ट नहीं लेते हैं। आप देख रहे हैं आजकल यंग लोगों को जो हार्ट अटैक हो रहा है, फिल्मी हस्तियों को, सबसे बड़ा कारण है कि उनके ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, वो एडिक्वेट रेस्ट नहीं लेते हैं। आपको नियमतः 7 से 8 घंटा सोना चाहिए ताकि आपके शरीर में अच्छी रिकवरी हो, पैरासिम्पैथेटिक टोन बने, तो आपका हार्ट प्रोटेक्टेड होगा। तो ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जीवन शैली में, जिसका अगर हम ख्याल रखें तो आप इन बीमारियों से बच सकेंगे। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में एक्सरसाइज करते हुए कई सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई, तो क्या जिम करते समय, एक्सरसाइज करते समय जो डायबिटीज़ या हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें कुछ खास तरीके से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए। मैंने एक चीज़ अभी आपको बताया कि मोस्ट ऑफ़ दी सेलिब्रिटीज़ जो जा रहे हैं वो एक्सरसाइज भी करते हैं तो एक स्ट्रेस में करते हैं, वहाँ भी एक टारगेट लेके करते हैं कि मुझे ये एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज आपके हेल्थ के लिए है, नंबर एक। नंबर दो, आपका एडिक्वेट कंट्रोल कैसा है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है, ब्लड शुगर का कंट्रोल है या नहीं है, उस आधार पे आपको इंडिविजुअलाइज एक्सरसाइज करना होता है। तीसरी बात ये होती है कि आपका, आपके एज के हिसाब से आपका टारगेट होना चाहिए। आप चाह रहे हो कि हम एक ही दिन में सारा का सारा बीमारी ठीक कर लें, एक ही दिन में आप ओवर एक्सरसाइज करने लगते हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस बढ़ता है। तीसरी बात, अगर आप देर रात तक जगे हैं, काम किए हों, पार्टी किए हों और सुबह 5 बजे हम रूटीन में उठ के चले गए दौड़ने के लिए, तो रात का जो आपका रेस्ट मिलता जिससे कि आपका बेसिक हार्ट रेट नॉर्मल पे आता, तब आप एक्सरसाइज करते। आप सुबह उठ रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड शुगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उस दौरान जब आपने एक अलग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस दिया, जब आप दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके बॉडी पे स्ट्रेस आता है, तो जब आप एडिशनल स्ट्रेस देते हैं तो आपका बॉडी का रिजर्व खत्म हो जाता है, तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो मूलतः अभी जो सेलिब्रिटीज़ को हो रहे हैं, इसका कारण है कि आप अनयूजुअल एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस में रह के एक्सरसाइज करते हैं, एडिक्वेट रेस्ट नहीं लेते हैं, और आपके हेल्थ के हिसाब से जितना टारगेट होना चाहिए आप उस टारगेट को बीट करते हैं, आप चाहते हैं उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करें, इसके कारण आपको ये अटैक पड़ता है। डॉक्टर साहब, इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए और नेशनल वॉच से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।